हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ओ कार्ट के अंदर हमारा जो ट्रांसफर मीटिंग का जो ऑप्शन है, जिसके बारे में एस मुफारिस सर ने अपने 360 के वेबिनार के अंदर हम सब लोगों को बताया था कि वो ऑप्शन बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को मिल जाएगा। और आज अगर आप अपना ओ कनेक्ट सही तरीके से चेक करते हैं तो आपको वो ऑप्शन जरूर मिलेगा। वो कहां मिलेगा, क्यों मिलेगा और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इसको कौन लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूं। सो अगर आपने अभी तक अपना जो ट्रांसफर मीटिंग का ऑप्शन है और आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उसे जरूर चेक करिए और उसको आप प्रैक्टिकल चेक करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल कोई भी चीज चेक नहीं करते हैं तब तक वो आपको पूरी तरीके से कंठस्थ नहीं हो पाती है, वो सही तरीके से समझ में नहीं आ पाती है। सो यहां इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, आज अच्छी पूरी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं अपना जो ओ कनेक्ट के अंदर ट्रांसफर मीटिंग का ऑप्शन आया हुआ है। दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो ओ कनेक्ट है आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको अपने इको सिस्टम के अंदर जाना है, अपना ओ कनेक्ट वहां पे ऑन करना है और ऑन करने के बाद में आपको अपना वहां पर एक वेबिनार लिंक को क्रिएट करना है। और वेबिनार लिंक को क्रिएट करने के लिए आपको सारी की सारी जो प्रोसेस है वो पहले से ही पता है। अपनी वेबिनार लिंक को क्रिएट करने के बाद में क्या पता नहीं मालूम, ओके कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि वो वेबिनार की लिंक जो है कैसे क्रिएट करते हैं। जस्ट 30 सेकंड के अंदर अपने ओ कनेक्ट को आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका जो डैशबोर्ड ओपन होगा वहां पे क्रिएट वेबिनार पे क्लिक करेंगे और क्रिएट वेबिनार पे क्लिक करने के बाद इवेंट नेम में आप अपना इवेंट नेम डाल देंगे, एजेंडा नेम डाल देंगे और उसके बाद यहां पे डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके नीचे क्रिएट इवेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपका यहां पर वेबिनार क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप यहां पर अपना एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहां पे लिंक क्रिएट करते हैं तो आपके सामने जो वेबिनार का जो टैब है यहां पर एक्टिवेट हो जाता है और जैसे ही ये टैब एक्टिवेट होगा तो यहां पे आपको जो पूरी लाइन दिखाई देती है जिसमें हमारी जो लिंक की सारी जो डिटेल्स होती है वो उसमें दिखाई देती है, इवेंट नेम, लिंक, इवेंट आईडी, डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजर, टाइम जोन एंड एक्शन। आपको क्या करना है, जो एक्शन वाला जो एक ऑप्शन है उसके नीचे जो स्टार्ट बटन लिखा होता है, जब आप वेबिनार को स्टार्ट करते हैं, जब आप अपने वेबिनार को शुरू करते हैं तो उसके बराबर में आपका यहां पर तीन डॉट के निशान बने होंगे, तीन डॉट वाले निशान बने होंगे और वहां पे क्लिक करते ही आपके सामने चार ऑप्शन यहां पे खुलते हैं, एडिट, सेव एज टेम्पलेट, ट्रांसफर मीटिंग एंड कैंसिल। तो यहां पे आपको जो ट्रांसफर मीटिंग है इस ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन आप इसका इस्तेमाल जो है क्यों करेंगे, सबसे पहली बातचीत ये आती है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम इस ट्रांसफर मीटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल क्यों करेंगे। इस क्यों का आंसर ये है कि जब भी आप कोई भी मीटिंग करने वाले होते हैं और वो मीटिंग करते समय आपको लगता है कि मेरा आज 9:30 बजे मीटिंग है, लेकिन आपको लगा कि आज मैं जो है किसी एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, अचानक से कोई भी एक इमरजेंसी आ जाती है या आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप उस मीटिंग को आप नहीं कर पाते हैं, तो यहां पे एक तो हमारा पास हल ये होता है, सॉल्यूशन ये होता है कि हम आज की मीटिंग को कैंसिल कर दें। लेकिन कैंसिल ना करके कंपनी ने हमें इसका सॉल्यूशन दिया है और उसका सॉल्यूशन ये है कि आपके और भी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनको आप हमेशा होस्ट को होस्ट बनाते हैं, जो आपकी मीटिंग को हैंडल कर लेते हैं। सो यहां पे ट्रांसफर मीटिंग का ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि आपकी मीटिंग उस दिन कैंसिल ना हो और आप किसी भी जो आपकी मीटिंग को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं आप उनको ये ट्रांसफर कर पाए, जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है या आप जो सिखाना चाहते हैं वो सही तरीके से वहां पे हमेशा एंगेज रहें आपके साथ। एक तो क्यों का कारण ये हो गया। इसके अलावा अब यहां पे किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जैसे ही ये ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई देता है और आप इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपको यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उस डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा द रिसीवर मस्ट बी एन ओ कनेक्ट सब्सक्राइबर। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप किसी को भी अपनी मीटिंग की लिंक, ट्रांसफर मीटिंग की लिंक सेंड करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो ये आप पूरी तरीके से आप चेक कर लीजिए कि क्या वो हमारे ओ कनेक्ट के सब्सक्राइबर हैं या नहीं है। इट मीन्स क्या उन्होंने अपना ओ कनेक्ट को पहले से ही परचेज कर रखा है या नहीं कर रखा है, क्योंकि पेड वर्जन उनके पास होना चाहिए, वो पेड कस्टमर होने चाहिए। उसके बाद
ओ मेल एड्रेस, यहाँ पे आपको उनका ओ मेल एड्रेस टाइप कर देना है जो उनका ओ मेल एड्रेस है। और जैसे ही आप ओ मेल एड्रेस टाइप करेंगे तो नीचे आपको ट्रांसफर का एक बटन मिलेगा, उस ट्रांसफर वाले बटन पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। तो जो डिटेल्स आपके पास यहाँ पर जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे कि आपका इवेंट नेम, लिंक, इवेंट आईडी एंड डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजर, ये सारे की सारी फुल डिटेल जो है आपने जिस कैंडिडेट की ओमेल आईडी को यहाँ पर फिल किया हुआ है, ये सारी की सारी डिटेल्स वहां पर पहुंच जाएगी और वो आसानी से आपकी जो मीटिंग है वो उसको जो है कर पाएंगे, यानी कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर ये भेज दिया। तो यहाँ पर किसको ट्रांसफर कर सकते हैं ये भी बता दिया, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ये भी बता दिया, और क्यों ट्रांसफर करनी है, ये कंपनी ने हम लोगों को सॉल्यूशन क्यों दिया है ताकि हमारी मीटिंग कभी भी जो है बंद ना हो या हमारा जो बिजनेस है वो कभी भी बंद ना हो। इसको कहते हैं डिसरप्टिव क्वालिटी। इसको कहते हैं कि आपकी हर एक समस्या का जो समाधान है वो आपकी हर एक समस्या का समाधान हमारे इस ऑन पैसिव के अंदर जो है डे बाय डे आपको हर एक प्रोडक्ट के माध्यम से मिलता जा रहा है, ताकि आप अपने बिजनेस को, आप अपने मीटिंग को या आप जो भी काम करते हैं उस काम को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बना सके। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ऑप्शंस और भी इसके अंदर जो है एड ऑन होने वाले हैं आने वाले अपकमिंग डेज के अंदर, जिसको लेकर के हम अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जो भी हमारे ऑप्शंस इसमें ऐड होंगे वो अपने आप में एक डिसरप्टिव क्वालिटी के ही होंगे, जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं भी किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के अंदर वो देखने को नहीं मिलेंगे। यही कुछ खास बातें होंगी आने वाले टाइम के अंदर, जिसको लेकर के एस फारे सर हमेशा इस बात को कहते हैं कि नवंबर के एंड तक हमारा जो ओ कनेक्ट है वो पूरी तरीके से वायरल हो जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स इसमें एड ऑन होने वाले हैं जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमारे इस ओ कनेक्ट को पूरी दुनिया में वायरल होने से रोक सके। सो अगर आपने अभी तक इस ऑप्शन को चेक नहीं किया है तो आप जरूर चेक करिए। एंड आई होप इसके अलावा और भी जो ऑप्शंस आने वाले हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए आप अपने इकोसिस्टम के साथ, बैक ऑफिस के साथ और अपने जो प्रोडक्ट है उसके साथ हमेशा एंगेज रहिए। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। एंड पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। जिस तरीके से कंपनी अपनी तैयारी लगातार कर रही है, आप भी इसी तरीके से अपनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की तैयारी जो है हमेशा करते रहिए, बिकॉज जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी। वी आर सो नीड टू विन इट।